नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाला एग्ज़ाम पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक संबंधित जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो देखिए जीएस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले यूके पी के एग्जाम में तो इसमें हम देखिए आपके जी के पॉलिटी के क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन जोग्राफी के क्वेश्चन इकोनॉमी के क्वेश्चन प्लस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये वीडियो तीस क्वेश्चन की होगी ठीक है तीस क्वेश्चन यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि एक आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये तीस नंबर का आपका जीएस आता है उसका एक प्रैक्टिस सेट आप समझ सकते हैं ठीक है पिछले कुछ दिनों में हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे आपसे जो है वीडियो कंटिन्यू आएगी ठीक है तो रोज आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो की तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो पॉलिटी से संबंधित है और पॉलिटी जो है आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो पहला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस किस सिफारिश पर शामिल किया गया तो भारतीय संविधान जब बना था यानी कि जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं किया गया है इनको बाद में संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया जाता है तो यह शामिल किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है अब देखिए सरदार स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने आठ मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने का परामर्श दिया था इसके बाद देखिए होता है बयालीसवां संविधान संशोधन कब होता है नाइनटीन सेवनटी में इसके तहत जो है भारतीय संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है किस आर्टिकल में जोड़ा जाता है तो फिफ्टी वन ए में ठीक है और कौन सा भाग जोड़ा जाता है तो भाग चार ए जोड़ा जाता है यह भी आपको याद रखना चाहिए इसके बाद क्या होता है ये दस तो जोड़ दिए ठीक है लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं वर्तमान में है भारतीय संविधान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य कितना है ग्यारह मौलिक कर्तव्य यानी कि ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर्तमान में ये जो ग्यार है ये कब जोड़ा गया तो ग्यारहवां जोड़ा जाता है छियासी संविधान संशोधन छियासी संविधान संशोधन दो हजार दो में दो हजार दो में एक जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है और तो टोटल कितने हो जाते हैं ग्यारह मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं और अभी जो है वर्तमान में ग्यारह ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौजूद है ठीक है अब जो ये ग्यारहवा जोड़ा जाता है ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था तो इसमें था कि छह से लेकर के चौदह साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर दिया जाएगा देखिए छियासीवा संविधान संशोधन आपका महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों के लिए भी डीपीएसपी के लिए भी मौलिक कर्तव्यों के लिए भी इसी के तहत जो है हमारा आर्टिकल ट्वेंटी वन में भी जोड़ा जाता है छः से चौदह साल के बच्चों के लिए शिक्षा ठीक है इसके बाद डी में आर्टिकल फोर्टी फाइव जो है उसमें किया जाता है संशोधन और इसके बाद जो है इसी छियासीवें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन किया जाता है एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसका स्रोत क्या है कहां से हमने लिया है तो ये हमने लिया है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर अगर वर्तमान में बात करें तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमने कौन से संविधान से लिए हैं ये लिए हमने यूएसए से ठीक है और जो हमारे डीपीएसपी हैं डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व ये हमने लिए हैं आयरलैंड से इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने लिए हैं रसिया से ठीक है तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है जून 2022 को भारत व बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन डैश को हरी झंडी दी गई है तो उसका नाम आपको बताना है करंट अफेयर का क्वेश्चन है दो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पहले पूछ लिया गया है इसी साल ठीक है जो अन्य स्टेट का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया था तो मैंने वहीं से क्वेश्चन लिया है क्योंकि ऐसा होता है देखिए बहुत सारे जो अदर स्टेट में एग्जाम होते हैं कई बार जो है आयोग वहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप आगे भी जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अन्य स्टेट की जो पेपर होते हैं जो रिसेंट के पेपर हुए हैं उनको भी एक बार देख लें उनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं जीएस के क्वेश्चन भी देख सकते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये एक स्मार्ट स्टडी का मेथड होता है कि आप जो है उन क्वेश्चन को देखिए प्रीवियस ईयर उत्तराखंड के ही नहीं अन्य स्टेट के भी आप लगाएं अब ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ पढ़ दो वहाँ का लेकिन जो आपके पेपर में आते हैं जैसे जीएस आता है आपके करंट अफेयर आता है हिंदी आती है तो, तो उन क्वेश्चन को भी आप देखें जो अदर स्टेट में पूछे गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन जो है जून 2022 में चलाई गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है देखिए तीसरी ये ट्रेन है यानी कि दो ट्रेन इससे पहले चलती थी पहली ट्रेन देखी इसको चलाया गया था 2008 में ये पहली ट्रेन थी भारत और बांग्लादेश के मध्य इसके बाद दूसरी जो ट्रेन चलती है ये चलती है दो में इसका नाम था बंधन एक्सप्रेस फिर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट 2022 का करंट अफेयर ये है मिताली एक्सप्रेस इसको चलाया जाता है जून 2022 में और ये किन दो स्टेशनों के मध्य चलेगी तो ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि इंडिया के न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी ढाका तक जो कि बांग्लादेश की, की राजधानी है कहां तक ढाका तक ये आपको याद रखना है इससे ठीक है बढ़ते आगे अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई तो देखिए 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के 2022 तक की जो प्रमुख योजनाएं हैं इनको आपको याद रखना है पीएम मोदी के टाइम की जो योजनाएं हैं ये बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है इनको अच्छे से याद कर लेना है ठीक है एटलीस्ट इनकी डेट तो आपको याद रख लेना है ठीक है यहां पर इसका सही जवाब है चौबीस फरवरी दो हजार फरवरी दो को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाती है ये योजना क्या है तो इस योजना के तहत तो सम्मान निधि के तौर पर वार्षिक धन दिया जाता है तीन किस्तों में छह हजार रुपए ठीक है यह सम्मान निधि योजना है इसके बाद देखिए जो अदर ऑप्शन है मई सोलह इस दिन शुरुआत होती है उज्ज्वला योजना की ठीक है उज्ज्वला योजना एक मई दो एक और योजना है उजाला योजना उजाला इसकी शुरुआत होती है 2015 में ठीक है उज्जवला की शुरुआत होती है 2016 में जो कि गैस सिलेंडर से संबंधित था उजाला योजना जो कि एलईडी बल्ब से संबंधित है इसकी शुरुआत होती है 2015 में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 को इसके बाद देखिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही मिलान नहीं है तो कौन सा मिलान सही नहीं है आपको बताना है डब्ल्यू टी ओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1995 बिल्कुल सही है हेडक्वार्टर इसका पूछा जा सकता है आपसे हेडक्वार्टर इसका स्थित है जूरिक स्विट्जरलैंड में कहाँ स्थित है जूरिक्स स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना होती है 1948 में बिल्कुल सही है कब होती है 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को इसीलिए जो है हम 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस ये या आपको याद रखना है इसके बाद अगला जो ऑप्शन है जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की स्थापना उन्नीस सौ निन्यानवे बिल्कुल सही है जी ट्वेंटी में कितने देश हैं जी ट्वेंटी में देशों की बात करें तो यह है उन्नीस प्लस एक यूरोपीय यूनियन यानी कि उन्नीस देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था रिसेंट का दो हजार बाईस का सत्रवा यह हुआ था इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में ठीक है अगला जो होगा अठारहवा यह बहुत महत्वपूर्ण है यह होगा इंडिया में और ये एग्जाम में आपका आ भी सकता है 2023 का जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन कहाँ होगा ये इंडिया में होगा और इसका अठारवा संस्करण है जी का ठीक है और स्थापना उन्नीस ये भी सही है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है एस सी की स्थापना 2006 में नहीं होती है इसकी स्थापना होती है 2001 में और 2001 में इसका नाम था संघाई फाइव ठीक है संघाई फाइव के नाम से इसकी स्थापना 2001 में होती है लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि इंडिया इसको कब ज्वाइन करता है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है तो इंडिया इसका मेंबर है और 2017 में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं दोनों एक साथ 2017 में ठीक है और इसका भी जो है जो सम्मेलन होगा 2023 में वो भी इंडिया में होगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 इंडिया में होगा SCO का सम्मेलन 2023 में इंडिया में होगा ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है यानी कि स्टील का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा किस देश में होता है तो ये है चीन ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है चीन में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है चीन में यानी कि चाइना में ठीक है इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है इंडिया का दूसरा नंबर किसका है इंडिया का यानी कि भारत का अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बनता है क्योंकि इंडिया ने जो है इसी साल जापान को पछाड़ा है यानी कि जापान को पीछे कर दिया है इस्पात उत्पादन में जापान नंबर पर है तीन ठीक है तीसरे नंबर पर है जापान दूसरे पे है इंडिया और पहले पे है चाइना ये आपको याद रखना है और इसी साल जो है इंडिया दूसरे नंबर पर आया है इस्पात उत्पादन में ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो ये अधिनियम जो है ना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और खास तौर पर जो पर्यावरण से संबंधित या वनु से संबंधित अधिनियम है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिनियम याद होनी चाहिए वनु से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित ये एग्जाम आपके बनते हैं एक ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके एग्जाम से पहले लेके आऊं सारे अधिनियम जो है उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे क्योंकि देखिए इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स में नहीं भटकना पड़ेगा या अलग अलग नहीं देखनी पड़ेंगी एक वीडियो में आपको सारे अधिनियम मिल जाएंगे ठीक है जैसे आपका पुलिस के पेपर में भी एक अधिनियम एक्ट एक्ट दो हजार में थीके? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पारित होता है 1986 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कब होता है 1986 में थोड़ा कुछ अधिनियम यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम जैसे सबसे पहले आपको आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट

अधिनियम याद रखने हैं एक तो आपको याद रखना है राइट टू इंफॉर्मेशन वाला यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम ठीक है तो यह आता है दो में इसके बाद आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन अधिनियम यह आता है दो में लेकिन यह लागू होता है दो से 2006 से तो ये कुछ अधिनियम है इनको आप याद कर लीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है तो देखिए कैग जो है एक रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट जो है कैग सौंपता है राष्ट्रपति को लेकिन इससे पहले इसका परीक्षण किया जाता है किस समिति के द्वारा किया जाता है ये पूछा है तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति यहाँ पर जो हम बात करेंगे लोक लेखा समिति की इसका जो कार्य है इसका कार्य होता है जो कैग द्वारा जो रिपोर्ट या ऑडिट किया जाता है उसका परीक्षण करना ठीक है लोक लेखा समिति इसी के साथ जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं तो इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें होते हैं टोटल बाईस मेंबर बाईस में से जो है पंद्रह होते हैं लोकसभा के सदस्य और सात होते हैं राज्यसभा के सदस्य ठीक है यह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को ध्यान दीजिए कैग सौंपता है राष्ट्रपति को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष को ठीक है इसके बाद देखिए प्राकलन समिति यह भी इंपॉर्टेंट है इसके मेंबरों की बात करें तो इसमें तीस मेंबर होते हैं और तीस के तीस मेंबर होते हैं लोकसभा के ठीक है और सबसे बड़ी समिति होती है ये भी आपको याद रखना है इसके बाद देखिए लोक उपक्रम समिति इसको तो आपको याद रखना इजी है आपने लोक लेखा समिति याद रखा है तो इसमें भी बाईस मेंबर होते हैं पंद्रह होते हैं लोकसभा से और सात होते हैं राज्यसभा से ये आपको याद रखना है फिर हमने यहाँ पर बात की नियंत्रक महालेखा परीक्षा यानी कि कैग की कैग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है 148 है 148 से वन फिफ्टी तक कैग का उल्लेख किया गया है और कैग वर्तमान में कौन है तो गिरीश चंद मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है।, है इनका टेन्योर जो है है हाल ही में फिर से बढ़ाया गया बढ़ते आगे नेक्स्ट भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छ सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है तो ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है इसका शुभारंभ किया गया है कर्नाटक में ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कहां किया गया है कर्नाटक में ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता तो कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता ये पूछा यहां पर तो यह है धन विधेयक ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है इसको पेश किया जाता है लोकसभा में ठीक है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष और एक कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित आर्टिकल है 110 ये भी आपको याद रखना है धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल है 110 और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा लोकसभा अध्यक्ष लेगा ये या आपको याद रखना है इसको पेश किस सभा में किया जाता है तो लोकसभा में किया जाता है बाकी जो साधारण विधेयक होते हैं उसको आप कहीं भी पेश कर सकते हो पहले राज्यसभा में भी कर सकते हो लोकसभा में भी कर सकते हो लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है तो डॉल्फिन डे जो है इसी साल घोषणा की गई है मनाने की कब की गई है पाँच अक्टूबर को ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है पांच अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने भारत का जो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव उन्होंने जो है घोषणा की है कि पाँच अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे ठीक है और एक और डे मैंने आपको पहले बता रखा है कि सोलह जनवरी को सोलह जनवरी को

इसकी पहली बैठक कब होती है ये बहुत बार एग्जाम आता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सचिदानंद सिन्हा को जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसके बाद इसकी दूसरी बैठक होती है ग्यारह दिसंबर को ग्यारह दिसंबर उन्नीस को और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष चुना जाता है ठीक है स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद इसके बाद इसकी तीसरी बैठक होती है तेरह दिसंबर को तेरह दिसंबर उन्नीस को और यहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है यहां पर पेश किया जाता है ठीक है तेरह दिसंबर उन्नीस को इसको पास कब किया जाता है या इसको पारित कब किया जाता है तो ये आपको याद रखना है बाईस जनवरी बाईस जनवरी उन्नीस को उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया जाता है ये एग्जाम आता है कि किसने पेश किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था कब किया था तेरह दिसंबर उन्नीस को किया था और कब पास हुआ बाईस जनवरी उन्नीस को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पास किया गया संविधान सभा द्वारा ये आपको याद रखना है अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो देखिए सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है देखिए एरन अभिलेख हमें प्राप्त होता है कहा से एमपी से सागर के पास में है एमपी में और यह अभिलेख किससे संबंधित है तो भानुगुप्त का यह अभिलेख है ठीक है भानुगुप्त का यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाथी गुम्फा यहाँ पर ठीक है हाथी गुम्फा अभिलेख ये है किसका कलिंग के राजा खानवेल का ठीक है और इसमें हमें भारतवर्ष भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख मिलता है किसका भारतवर्ष का भीतर स्तंभ स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतर स्तंभ और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये है समुद्र गुप्त से संबंधित तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए अगला है सितंबर 2022 में निम्न में से कौन देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त तो किया गया तो देश के दूसरे सीडीएस बनते हैं अनिल चौहान ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ये देश के दूसरे सीडीएस हैं ठीक है पहले कौन थे पहले थे जनरल बिपिन रावत ये जो है पहले सीडीएस थे दूसरे कौन है अनिल चौहान इसके बाद जो अदर ऑप्शन है देखिए विवेक राम चौधरी ये फोर्स के चीफ मनोज पांडे ये थल सेना अध्यक्ष है थल सेना आर हरी कुमार ये नौसेना अध्यक्ष नेवी के चीफ कौन है आर हरी कुमार और अनिल चौहान जो है ये वर्तमान में सीडीएस हैं आपको याद रखना है अगला प्रश्न है यूक्रेन की राजधानी क्या है तो यूक्रेन देखिए हाल ही में चर्चा में था रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से तो एग्जाम बन सकता है यूक्रेन की राजधानी है कीव ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है अब देखिए यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है उनसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है तो ये है व्लादिमिर जेलेस्की ठीक है यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इनको 2022 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादिमिर जेलिस्की को यह आपको याद रखना है और राजधानी क्या है यूक्रेन की कीव यूक्रेन की, की राजधानी है बढ़ते आगे नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपिन को ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है देखिए लॉर्ड रिपिन ने काफी अच्छे कार्य किए थे ठीक है इससे पहले जो राय था लिटन वो काफी बुरे काम करके गया था और लिटन के बाद जो है रिपन जो है वॉयसराय बनता है और इसी को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसके टाइम पर जो है पहली बार नियमित जनगणना होती है एटीन में ठीक है और इसके टाइम पर प्रथम कारखाना अधिनियम आता है प्रथम कारखाना अधिनियम कारखाना अधिनियम एटीन एटी वन में आता है ये आपको रखना है इसके बाद दूसरा आता है लेंसडाउन के टाइम फिर स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना अधिनियम आता है 1948 में ये भी आपको याद है इसी के टाइम पर देखिए हंटर आयोग की स्थापना होती है 1882 में जो कि शिक्षा से संबंधित था और वर्णाकुलर प्रेस एक्ट जिसको लिटन ने लगाया था उसको इसने समाप्त किया था ठीक है वर्णाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने ये आपको याद रखना है तो ये जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक देखिए इन सभी ने लाला लाजपत राय इन्होंने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने भी की थी और सुभाष चंद्र बोस ने की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में ठीक है लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी ठीक है एटीन में ये ज्वाइन करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और ये जो है अध्यक्षता नहीं करते हैं उग्रवादी दृष्टिकोण के नेता थे इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे श्री के सी नियोगी के सी नियोगी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ये थे प्रथम अभी कौन है पंद्रहवा वित्त आयोग अभी चल रहा है अभी है एन के सिंह एन के सिंह जो है अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये आपको याद रखना है अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है पंद्रहवा वित्त आयोग चल रहा है ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं तो नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं दो स्थलों से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है मोहन एवं लोथल से लोथल कहां स्थित है गुजरात में स्थित है और मोहनजोधरो स्थित है वर्तमान के पाकिस्तान में ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया यानी कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं निम्नलिखित में से जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे तो इसका सही जवाब है नीलम संजीवा रेड्डी ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है देखिए नीलम संजीवा रेड्डी से और भी क्वेश्चन बनते हैं यूके त्रिपलस्सी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जो है भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी ये आपको याद रखना है और एक और क्वेश्चन इनसे याद रखना है ये आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के पहले पहले क्या थे सीएम थे तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्र प्रदेश के कौन से सीएम थे जो राष्ट्रपति भी रहे तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी ये आपको याद रखना है 1977 में ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम तो में बनते हैं तो देखिए इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है यूनिक्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर पीसी में ठीक है डॉस होता है जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं बाकी आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको मैक कहते हैं तो ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जावा क्या है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है जैसे सी प्लस प्लस सी और पाइथन ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑरिकल एक कंपनी है अमेरिकन ठीक है जो कि डेटाबेस बेस्ड कंपनी है एमएस ऑफिस ये जो है एक अप्लीकेशन है विंडोज का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है नेक्स्ट है डेटा को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है तो डेटा को मैनेज करने के लिए डी बी एम एस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है तो एस एम पी एस की फुलफॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई एच टी टी पी की फुलफॉर्म होती है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है तो ये क्वेश्चन देखिए आपको आना चाहिए इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही जवाब है कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है देखिए प्राइमरी सेक्टर जो होता है या प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसमें आता है रॉ मटेरियल यानी कि जैसे पशुपालन मत्स्य पालन, पालन कृषि ये सारे जो है आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें आता है उद्योग निर्माण विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में इसके बाद आता है तीसरा सेक्टर टर्सरी सेक्टर इसमें होता है सर्विसिंग ठीक है सर्विस सेक्टर को आ जाता है टर्सरी सेक्टर इसमें बैंकिंग आता है परिवहन आता है ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं तो ये आपको याद रखना है कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग सी जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था स्थापित किया गया था तो इसकी स्थापना कब होती है कृषि मूल्य आयोग की या कृषि लागत और मूल्य आयोग की पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग इसकी स्थापना होती है जनवरी उन्नीस में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है फिर देखिए नाइनटीन में इसका नाम चेंज हो जाता है फिर होता है इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग ये आपको याद रखना है और यही जो है एम न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका निर्धारण करता है कौन करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग कई बार एग्जाम में आता है कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है अलग अलग ऑप्शन होते हैं तो आपका आंसर होगा सी ए सी पी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बिल्कुल सही है झारखंड में स्थित है धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा पर है मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है ये बिल्कुल सही है इसके बाद शिव समुन्द्र कावेरी नदी पर है कर्नाटक में बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पहला ऑप्शन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो ये बिल्कुल गलत है ठीक है इसके बाद देखिए संसार का लगभग टू पॉइंट फोर परसेंट क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके बाद देखिए भारत की तट रेखा है सात हजार पांच सौ सोलह पॉइंट छ किलोमीटर यह भी बिल्कुल सही है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ये जो है गलत है तो इंडिया जो है सातवा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन है वो है रसिया रसिया के बाद कौन है कनाडा फिर आता है यूएसए फिर आता है कौन आ, चाइना फिर आ ब्राजील। फिर आएगा आएगा ब्राजील ऑस्ट्रेलिया फिर आएगा इंडिया ठीक है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है तो यह टू पॉइंट फोर परसेंट याद रखना है भारत की तटरेखा सात हजार पांच सौ सोलह पॉइंट किलोमीटर है यह या आपको याद रखना है और भारत के तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? तो नौ राज्य हैं, जिसमें से सबसे अधिक जो तट रेखा है वो किसकी है गुजरात की है, है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से भारत सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है वो है चाइना की बढ़ते आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है भारत का वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है अभी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा निर्मला सीतारमन ऑप्शन बी का सही जवाब है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कब होता है भारत में एक जुलाई दो से इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है टू ए जो है इससे संबंधित आर्टिकल है और जो है इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है तो 101 संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दी है एमएस ऑफिस की और साथ में दिया है कुछ एक्सटेंशन यानी कि जिस फॉर्मेट में उनको सेव किया जाता है तो वो आपको बताना है कि सही फॉर्मेट है या नहीं है तो देखिए एमएस वर्ड जो फाइल होती है उसको डी यानी डॉक्स के रूप में सेव किया जाता है बिल्कुल सही है डॉट डॉक्स करके ये सेव होता है ठीक है एक्सेल फाइल को एक्स एल एस बिल्कुल सही है और जो पेंट होता है उसको जे पी जी करके बिल्कुल सही है लेकिन जो पावर पॉइंट होता है उसको पी पी टी करके पी पी टी करके सेव किया जाता है डॉट पी पी टी ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है ठीक है पी टी पी नहीं होता पी पी टी होता है तो ये आपको एक्सटेंशन याद कर लेने हैं इनको सेव करने के ठीक है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत की उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है भारत का उत्तर पश्चिम भाग जो है ये राजस्थान गुजरात और पंजाब उससे थोड़ा और उधर जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान इस एरिया में जो शीत ऋतु में यानी कि ठंड के समय जो है जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है यूरोप में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसी के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में शीत ऋतु में वर्षा होती है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 136 136 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 136 रैंक पर है आउट ऑफ 146 में से तो देखिए कितना अनहैप्पी हम रहते हैं ठीक है तो खुश रहा करो तो यहां पर 136 रैंक पर है आउट ऑफ 146 में से भारत 2022 के रैंक है ठीक है और 2021 में था ये 139 पे 2021 में भारत की रैंक थी 139 2022 के अनुसार सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है तो यह है फिनलैंड ये हर साल जो है टॉप पर रहता है फिनलैंड ये आपको याद रखना है इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में कौन है सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान इस साल अफगानिस्तान ये आपको याद रखना है ठीक है और इस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे इंडेक्स जो है 2022 के

लेवल थोड़ा इसका इजी टू मोटरेट था इसका लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ये इस वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल